हेलो दोस्तों, सीएनजी कन्वर्ट की प्रॉब्लम है, सेंट्रो जिंक है। और दोस्तों आज इसकी सीएनजी कन्वर्ट प्रॉब्लम की हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये वाली सीएनजी है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अलग अलग सीएनजी होती है, इसलिए मैं पहले सीएनजी की डब्बी दिखा दे रहा हूँ ताकि उसी हिसाब से सभी लोग देखें कि जिसका जो प्रॉब्लम हो उसी हिसाब से देखें। सीएनजी की डब्बी हमने दिखा दी ये वाली। अब इसमें हमने बहुत सारी जो फिटिंग है वो तो हमने खोल दी है। अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम दिखाते हैं कहाँ प्रॉब्लम निकली है। इसमें बहुत तंग किया इसने। और इस वाली सीएनजी की यूट्यूब पर वीडियो नहीं थी, इसलिए यूट्यूब पर हमने ये वीडियो, ये वाली सिक्वेंस है, देख लो ये रही। तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं बनाता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खोजी है। ये जो है मुझे नहीं मिली, ये वाली किट जो है मुझे सेंट्रोजिंक की नहीं मिली। तो इसलिए जो है मैंने ये वाली किट का, इनके अब इसकी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये वाली किट है, सिक्वेंशियल है और गाड़ी सेंट्रो है, ठीक है। तो दोस्तों हमने बैटरी खोलने के बाद में हमने देखा इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही थी, ना ही ये डायरेक्ट करने पे हो रही थी और ना ही ये ऑटोमेटिक पे हो रही थी। तो बैटरी खोलने के बाद में हमने सबसे पहले हम गए सोलेनोइड के पास। सोलेनोइड पे जाके हमने चेक करा तो ये जो कपलर है ये लगा हुआ तो है, लेकिन इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना इसमें जंग लग गया। ये देखिए इसमें कितना जंग लग गया इसमें दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा जंग था, जिसकी वजह से कन्वर्ट मतलब ये नहीं हो रही थी गाड़ी। ये देखिए इसकी वजह से ये गाड़ी जो है कन्वर्ट नहीं हो रही थी दोस्तों, ठीक है। देख रहे हो आप, इसमें एक पिन में बहुत ज़्यादा जंग आ रहा है, इस वजह से ये कन्वर्ट नहीं हुई। तो आगे का मैं नीचे का दिखा देता हूँ, सोलेनोइड का हाल क्या है। ये देखिए सोलेनोइड का हाल देख लो, ये देखो दोस्तों, ये सोलेनोइड का हाल है। इस वजह से गाड़ी कन्वर्ट नहीं हो रही थी मेरे भाइयों दोस्तों। तो आप जब भी गाड़ी कोई भी करें तो सोलेनोइड को ज़रूर चेक करें, उसमें वो आवाज़ कर रहा है नहीं कर रहा है डायरेक्ट। इसको अब 12 वोल्ट से भी आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं, तो 12 वोल्ट से भी आप इसको जब सप्लाई देंगे तो ये टक देसी ना करेगा। अब देखिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कन्वर्ट होने की, तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैं इसी को देखा, मैंने इनकी इसी को देखते हैं क्यों नहीं आ रही आवाज़। तो जब देखा तो देखो कपलर हटाते ही इसकी ये कंडीशन हो रखी है, कपलर हटाते ही इसकी ये कंडीशन मिली है हमें, ये देखिए। तो अब इसको देखेंगे कि जो है रस्टिंग से स्प्रे है रस्टिंग की, उसे मारेंगे और इसका जंग साफ करेंगे जितना भी कार्बन आ रखा है। तो दोस्तों हमने ये मारुति का रस्ट स्मार्ट लिया है, और ये रस्ट जो है जितनी भी रस्टिंग होती है ये सब कार्बन को ख़त्म कर देता है, तो हमने यही लिया है, इसी का इस्तेमाल करेंगे और इससे जो है हम जंग को, जो उसमें जितनी भी कार्बन आ रहा है ना उसे सब ख़त्म कर देंगे इससे। तो ये हमने ले लिया है और इसमें इसका जंग इसकी ख़त्म करते हैं। अब इसका थोड़ी देर वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में ये जो जंग है इसकी जो कटने लग जाएगी और हम इस कपलर पे अब मारते हैं, ये जो कपलर है इस पे मारते हैं। ये हमने इसमें मार दिया है और थोड़ी देर का वेट करते हैं।
दो से पाँच मिनट का वेट करते हैं और कार्बन को साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद में फिर गाड़ी की फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पिन के ज़रिए साफ़ कर रहे हैं जहाँ जो आपको कार्बन दिखाया था, पिन से साफ़ किया है। और स्प्रे की बोतल से इसी से दोबारा मार रहे हैं। अब ये साफ़ जो हो चुका है। इसे भी साफ करेंगे। कितना कार्बन है ये, दोस्तों सारी फिटिंग कर ली है। और फिटिंग करने के बाद में बैटरी को लगाएंगे, और बैटरी लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके फिर जो है कंफर्म हो जाएगा कि जी इनवर्टर का आगे है। तो दोस्तों हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद में सीएनजी पर आएगी गाड़ी, स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।